ऑर्डर मामा का ऑर्डर हो रहा है, भांजो के लिए प्यार पूरा बरस रहा है यार। जो है कैसे पहले तो अन्नी क्या अन्नी नंबर वन होता था हितांशिप का। अरे अच्छा, नहीं थ्री स्टार, थ्री स्टार दोस्त था। जब से जिम कॉर्बेट गए हैं तब से थ्री स्टार ही हो गया, वो टू स्टार हो गया। वो टू स्टार हो गया है अन्नी, क्या ऐसा चल रहा है? मुझे अच्छा लगा, मेरा आरू का नंबर तो आया कहीं नहीं। शीतल ने पूछी 6 दिन पहले खाया था पिज्जा, आज भी पेट में रखा। ना फर्क है डॉक्टर साहब, पिज्जा हट वाला नहीं रखा, डोमिनोज पिज्जा वाला अब भी रखा है। सुनो कौन सा वाला रखा है? और पिज्जा हट वाला रखा है, डोमिनोज पिज्जा पहले खाया था, पिज्जा हट वाला नहीं रखा। कौन सा वाला? शीतल का एनालिसिस देखो कैसे किया होगा, ये डोमिनोज का है, ये रखा होगा सच में एक साइड का। सच में सच में अगर किसी को एनालिसिस करना है उसके पेट में कब का और कब, तो शीतल बताएगी कैसे कहां पे कहां रखा है। शीतल उसकी तरह हाँ, एक एक उस दिन से नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बार शीतल की बात से जब अपना खानदान को यहाँ से यहाँ वहाँ तक ही बताया। शीतल एक एक एक, एक मुझे बात याद आ गई, खानदान की बात दो शीतल क्या कह रहे। एक आदमी था शीतल, उसका जो है उसके उल्टी दस्त लग रहे थे, तो वो गए कहीं दावत में, तो उसने कि यार क्या क्या खाया जा, तो उसे खाने में पसंद था क्या कहते हैं जैसे रसगुल्ले, तो उसने क्या करा, उसने पहले खाए चावल, फिर खाए रसगुल्ले और फिर खाए चावल। अब किसी ने उससे पूछी कि भैया चलो ये तो क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्यों बताया, ऐसा क्यों खाया उसने? हेलो मम्मी आ रहा हूं, मैं चावल खाया, ये तो शीतल ही बता सकती है। चावल खाया उसे, उसे पसंद थे। अन्नी बुला रहा है, अन्नी बुला रहा है। एक आदमी था, उसे हो रहे थे लूज मोशन भी हो रहे थे और वॉमिटिंग भी हो रही थी, तो उसने पहले, उसे खाने पसंद थे रसगुल्ले, तो उसने पहले खाए चावल, फिर खाए उसने जो रसगुल्ले और फिर खाए उसने फिर चावल दोबारा जो है, तो ऐसा क्यों? चावल ठीक रहता है, नहीं वो जल्दी पक जाता है, एक्सपर्ट नहीं है वो जल्दी। एक आदमी को लूज मोशन, एक आदमी को वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे थे, उसे जाना पड़ा दावत में, तो उसने पहले तो खाए राइस, फिर खाए रसगुल्ले और फिर खाए राइस, क्यों? क्योंकि जो उसे टिक्की ना मिली इस वजह से खाई। ये बात सुन लो, पहले तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा। नहीं पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देना, अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। उसको लग रहे थे, उसको लग रहे थे लूज मोशन और उसको लग रहे थे वॉमिटिंग, तो उसने क्या दिमाग लगाया कि पहले खा लिया राइस चावल, शीतल पहले खाए चावल फिर खाए रसगुल्ले और फिर खाया चावल, क्योंकि अगर लूज मोशन लगे तो चावल निकट जाएंगे, वॉमिटिंग लगी तो चावल निकट जाएंगे, रसगुल्ले बीच में रह जाएंगे पेट में। सुनो, कल कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं कह रहा हूँ कल सुबह तक, अजी हाँ तुम भूल जाओगे कि क्वेश्चन किससे पूछते हैं। अजी हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, चार क्वेश्चंस बस, ओनली फोर। तुमने सेल्फी देखी है? हाँ ना देख लूंगा, देख लेना आप। उसके चार क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन तो सेल्फी वाले रहेंगे, अच्छा, और दो क्वेश्चन मेरे रहेंगे, अच्छा ठीक है। किसी को, किसी को देखना हो तो सेल्फी मूवी देख लेना। मूवी देखने लगे यार, वो 10 दिन से पहले खत्म नहीं होती आजकल। हाँ शीतल तो बढ़िया लग रहा है, मैच करके पूरा मैच करके पूरा। हाँ शीतल कैसे, मैं जूम कर लूंगा फिर तेरे फेस फेस जो पे। सबसे पहले जल्दी जवाब देगा वो, उसे छुट्टी, उसकी छुट्टी हो जाएगी।
शुरू से बता क्वेश्चन, शुरू से क्वेश्चन। टीचर ने बोला जो मेरे क्वेश्चन का जवाब देगा सबसे जल्दी उसकी मैं जल्दी छुट्टी कर दूंगी। ठीक। तो उस शैतान लड़के ने अपना बैग उठाया, खिड़की से बाहर फेंक दी। मैम ने पूछा ये किसने फेंका, बोला मैंने, भेज दिया उसको। ये क्वेश्चन था, जोक था, जोक था। अच्छा फिर ठीक है, पहले बताती फिर हम हंसते। रुक जा, रुक जा। जो है शेखर फॉर्म में है पूरा पहेली पूछने के, बताओ। और ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब हैं जो रोज सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, और आज इनके लिए एक क्वेश्चन आया है। ओ हो, बताओ वह क्या है। ओहो क्या वह क्या है जो पूरा कमरा भर देता है। क्या क्या भर देता है? कमरा, कमरा पर जगह बिल्कुल भी नहीं घेरता। इट्स लाइट, प्रकाश। तो भैया आ चुका है प्रकाश, बता दिया। ये देखो ऐसा ही था। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ना, डर क्यों रहे हो? दूसरा पूछा लो। हाय 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 हाय, एक और क्वेश्चन। एक का जवाब मैं दे चुका हूँ, कोई बात नहीं। एक का आप नहीं दे पाए थे, एक का दे दिया। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं हम। ओके। ऐसे पक्षी का नाम बताइए। पक्षी का नाम? जी। ह्यूमन बर्ड? या ओह माय गॉड, फ्लाइंग बर्ड। ये फ्लाइंग बर्ड है क्या दोनों के दोनों? ओह माय गॉड, देखो दोनों फ्लाइंग तो नहीं कर रही है लेकिन खाना खा रही है। अच्छा एक फ्लाइंग कर रही है, एक खाना खा रही है। अच्छा कम ऑन। या ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसके नाम का मतलब अंग्रेजी में ज्यादा होता है। ज्यादा, ज्यादा, बहुत। देखो देखो, बहुत ज्यादा। ज्यादा मतलब ज्यादा का, या ज्यादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुप। नो नो शीतल नो, इट्स फॉर हिम। बिग 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 बिग, बड़ा 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 शीतल नो, बड़ा पाव। दो अभी तक मैं बता चुका हूँ। नो इट वॉज नॉट यू, इट वॉज शीतल। नो इट वॉज शीतल, नो नो यू कैन नॉट से लाइक दिस डॉक्टर साहब, नो इट्स रॉन्ग। अच्छा कौन, वंस मोर। ऐसा कौन सा काम है, काम या काम धेनु वाला काम, सरिया वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काम धेनु सरिया। इट्स लाइक ऐसा कौन सा काम है, वर्क, यू मीन वर्क, या ओके वर्क, जिसे इंसान यू नो आफ्टर डेथ मरने के बाद भी कर सकता है। कम ऑन टेल, वो दोबारा जन्म लेना। जन्म? इट्स नॉट, इट इज नॉट द आंसर। मरने के बाद जन्म लेना ही तो है। नो 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 नो, दिस इज द राइट। ऐसा कौन सा काम है जिसे इंसान मरने के बाद भी कर सकता है। इट इज अ टफ क्वेश्चन। इट्स लाइक ऑटोमेटिकली यू नो ऑटोमेटिकली गई। ओके या मतलब हालांकि जन्म भी एक बढ़िया हुआ है क्वेश्चन। ना ना इट्स नॉट, क्योंकि भक्त आत्मा अमर है, अजर है। हाँ ऐसी वाली अजर है, ताली मारो इस बात पे। बट द आंसर इज नॉट दिस। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा काम है जो आदमी मरने के बाद भी कर सकता है? या इट्स लाइक वेट लिफ्टिंग, या इट्स लाइक जिम ट्रेनिंग एज डॉक्टर साहब डू। फायर क्या कर सकता है जलने के बाद? कमान कमान कमान, यू ऑल्सो पूजा कुमार चपराना, ट्रेवलिंग, सॉरी पूजा कुमारी चपराना, कंधे पर रख के कर सकते, क्या कर सकते? या एज अ डेड पर्सन यू कैन लाइक पुट समवन ऑन योर शोल्डर। No? Dead lift. No, 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 no. और क्या? Dead lift. He cannot, any person died cannot do a dead lift. Dead lift. No, no, it's not. हमारी ज्यादा ऑडियंस हिंदी वाली है, सेकर इंग्लिश ज्यादा नहीं बोलेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या काम है जिसे आदमी मरने के बाद भी कर सकता है? It's like it is. मतलब ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। हमारे प्रोफेशन से? या या इट्स लाइक इट्स अ हिंट। डेड? इट्स अ हिंट। No. शीतल यू प्लीज स्टे क्वाइट फ्रॉम नाउ, ओके? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी मरने के बाद भी कर सकता है? कम ऑन टेल। खाने
नो आई वोंट टेल लाइक लेट हिम गेस समथिंग. तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं. बट टेल मी डू यू नो और नॉट. नो ओके इट्स अ अंगदान आफ्टर लाइफ. एनीवन कैन डू इट. ओके डू यू वांट बड़ा पापा दे.